तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवार पहचान पत्र में आपकी जो कास्ट है वो पटवारी के द्वारा वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। तो जानकारी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, आपको पटवारी द्वारा आपकी जो कास्ट है वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, यह जानने के लिए आपको परिवार पहचान पत्र की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने पहले ही ये ओपन कर रखी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट ग्रेवियंस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से मैसेज शो होगा। यहाँ पे ये मैसेज है कि डू यू नो परिवार पहचान पत्र आईडी। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपकी जो परिवार पहचान पत्र आईडी है वो आपको पता है या नहीं पता है। अगर आपको पता है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च विद फैमिली आईडी। अगर आपको फैमिली आईडी पता है तो आप यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको फिर भी अपनी फैमिली आईडी याद नहीं है तो आप यहाँ देखिए सर्च बाई आधार नंबर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपने आधार नंबर से भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो मैं फैमिली आईडी से ही सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं फैमिली आईडी डालता हूँ और उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फैमिली आईडी डाल के सर्च पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे, ये 4 डिजिट मोबाइल नंबर जो दिखाए हुए हैं लास्ट वाले, इस मोबाइल नंबर पे आपका जो ओटीपी चला गया है, मीन्स आपने जो अपना मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में दिया है वो उसी पर ये ओटीपी जाएगा। इस पर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक मैसेज दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर, ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इंटर ओटीपी आप यहां पर देख पाएंगे। यहां पर आपको ओटीपी देना है जो आपके मोबाइल नंबर पे चला गया है। जब आप यहां पे ओटीपी दे देंगे तो उसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फैमिली आईडी की डिटेल है वो आप यहां पर इस तरीके से देख पाएंगे। अब आप यहां पर ये कॉलम देख रहे होंगे कि कास्ट वेरीफाइड बाई पटवारी, ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम में नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अभी इस आईडी के लिए जो भी कास्ट वेरिफिकेशन है वो पटवारी द्वारा नहीं की गई है। तो अगर ये पटवारी द्वारा वेरीफाई हो जाती तो यहाँ पे मेंशन किया होता कि कौन सी कास्ट है। अगर आपकी जो कास्ट है वो गलत वेरीफाई हो गई है उस केस में आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे और अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, मीन्स फिर से आपकी कास्ट जो है वेरीफाई की जाएगी पटवारी द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कास्ट वेरिफिकेशन है वो पटवारी द्वारा फैमिली आईडी में हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल है उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि छोटी छोटी जानकारियां आप तक आसानी से समय समय पर पहुंचती रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।